रामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा जारी है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनकी पद यात्रा इस समय चल रही है, उनकी हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर बॉलीवुड के स्टार तक इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान समर हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदुओं को एक चेतावनी दे डाली है। क्या कह रहे हैं वो, देखिए इस रिपोर्ट में। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। संभल में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की होड़ में है। ऐसे में हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संभल हिंसा को लेकर हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी और एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। हमारी एकता पर फोकस है, यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं। 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। हमें जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का 5वां दिन रहा और ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। गुरुवार 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई इस यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। हालात ये हैं कि यात्रा के इंतजार में लोग झंडों के साथ सड़क किनारे खड़े घंटों जयकारा कर रहे हैं और जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा नजर आती है, पूरे जोश के साथ लोग यात्रा में जुट जाते हैं। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री खुद मिल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महोबा के अलीपुरा पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब भीड़ ने बाबा को घेर लिया और बाबा ने भी लोगों के मन की बात कहकर उनका दिल जीत लिया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा, अलीपुरा तो उनका नाम है, ऊरालों का आज से उसका नाम हो गया। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीपुरा का नाम बदलकर हरिपुरा करने का ऐलान कर दिया। दरअसल हिंदू एकता यात्रा का कुल रूट 160 किलोमीटर का है, जो 9 दिनों में पूरा होगा। आज 5वां दिन था और आज से ठीक 4थे दिन 29 नवंबर शुक्रवार को निवाड़ी के ओरछा धाम में यात्रा का समापन हो जाएगा। 160 किलोमीटर की इस हिंदू एकता यात्रा के दौरान कुल 9 पड़ाव हैं, जिसमें आखिरी और 9वां पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। ये हिंदू एकता यात्रा का पहला चरण है और इसके बाद और भी चरणों में यात्रा की बात खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने की है और बताया है कि यात्रा का मकसद पूरा जरूर होगा। आपने यात्रा निकाली, अभी फर्क पड़ रहा है? दूरगामी प्रभावशाली कार्य है, पड़ेगा, अभी भी पड़ रहा है और व्यापक पड़ेगा। हिंदू जगेगा, भेदभाव मिटेगा, समय लगेगा, प्रयत्न करेंगे। बार बार एक ही बार में लोहा गर्म करके कोई भी धारदार हथियार नहीं बनता है, बार बार गर्म करके हथौड़ा मारना पड़ता है, तब हथियार बनता है। बाबा की पदयात्रा में बॉलीवुड, भोजपुरी और रेसलिंग के दिग्गज ने शिरकत की। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी पदयात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा को संजय दत्त ने समर्थन दिया। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। तो बाबा की यात्रा जारी है और इस यात्रा को न सिर्फ आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, बल्कि अलग अलग विचारों वाले दलों के नेता भी एकता यात्रा के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह भी शामिल हुई है। अक्षरा से न्यूज 18 संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह आज झांसी में हैं और एक पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। इनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका झांसी में स्वागत है। जिस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या लगता है कि इसकी क्या जरूरत है और कितना महत्वपूर्ण समय है?
मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सही स्टेप है गुरुजी का, और जो भी निर्णय वो लेते आए हैं आज तक, वो सनातन के लिए या हमारे हिंदू समाज के लिए हमेशा सोच कर लेते आए हैं। और ये एक कदम, ये एक पहल, मुझे लग रहा है पूरे राष्ट्र भर में एक नई दिशा में एक अलग सोच लोगों को भी दे जाएगा। क्या लगता है कि कड़ी कड़ी से जुड़ करके एक बड़ा मुकाम तैयार होगा आज, ऐसा लगा भी हम लोग को यात्रा में? जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, मुझे ऐसा लग रहा है ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसमें सम्मिलित रूप में उनका साथ दें। सर जी, आपको आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदू एकता पर बल दिया जा रहा है, आज संजय दत्त जी भी आए थे, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाए थे, तो क्या लगा कि इसका महत्व भविष्य में जो युवा वर्ग है वो समझेंगे और एक होने की कोशिश करेंगे? ऑफकोर्स, मुझे लगता है गुरु जी का मोटिव ही यही है कि आज के युवा वर्ग जो पढ़ाई के या एक अंधाधुन अलग जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें भी इससे कनेक्ट होना चाहिए, अपने धर्म के बारे, अपने रूट्स के बारे जरूर जानना चाहिए। और आई थिंक गुरुजी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आखिरी सवाल, इस पदयात्रा को लेकर आप संदेश क्या देना चाहेंगी? काफी बड़ा काम कर रहे हैं गुरुजी। मैंने इसे पहले भी कई बार कह दिया कि गुरुजी की ये पहल जो है उसमें मैं खुद भी आई हूँ, और इतने बड़े बड़े कलाकार अगर साथ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पहल पूरे राष्ट्र को बदलने में बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। जी, एक तरफ हिंदू यात्रा एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कुछ अदर वे में ले जा रहे हैं, कौन है वो लोग, उनको आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, समाज में सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले दोनों ही बराबर हैं। तो जिनको जो सोचना है वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो लेट इट बी, जो जैसा कर रहा है। जय श्री राम। तो ये थी हमारे साथ अक्षरा सिंह, जिनका कहना था कि जिस तरीके से सनातन जो ये पदयात्रा निकल रही है, उससे आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। और ये आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा इस समय झांसी से होकर आगे बढ़ रही है, जहां से हमारे सहयोगी झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे और बातचीत और जानकारी जुटाएंगे। अश्विनी, देखिए ये पदयात्रा जिसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के राज्यों के आए हुए लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि आपने भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह से बातचीत की है, इससे पहले हमने संजय दत्त को भी सुना है, फिल्मी सितारों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। आज झांसी में किस तरह से पदयात्रा निकलेगी और क्या बड़ी बातें आज की पदयात्रा की रहने वाली है? क्या आज भी कोई नया चेहरा फिल्म जगत से या फिर राजनीतिक जगत से देखा जा सकता है इस पदयात्रा में? देखिए, आज का जो पदयात्रा है, दूसरा दिन झांसी में है आज यह पदयात्रा का, और ये पदयात्रा ग्रामोदयों से निकलेगी, स्कूल से और बंगरा होते हुए श्रीराम इंटर कॉलेज है, वहाँ पर अंतिम आज का पड़ाव रहेगा, जहाँ रात्रि विश्राम गुरु जी करेंगे। बताया जा रहा है कि आज भी बहुत बड़ी बड़े संख्या में जो भक्त हैं इस पदयात्रा में जुड़ेंगे। मौरानीपुर झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर यह पदयात्रा एक तरफ से निकलेगी, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना जुटाई बताई जा रही है। आज भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ सकते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं वो आ सकते हैं, राजा भैया के भी आने की जानकारी मिल रही है कि वो भी आएंगे और इस पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम और बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जो यात्रा निकल रही है झांसी में बुंदेलखंड में, इसको अपार समर्थन मिल रहा है। संजय दत्त आए थे एक दिन पहले, उन्होंने भी यात्रा का उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा भोजपुरी जो सुपर स्टार है अक्षरा सिंह, वो भी आई, वो भी भीड़ में शामिल हुई और ज़बरदस्त तरीके से जो भक्त है उनका उत्साह बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में जो एक मुहिम चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो सोच कर वो बिल्कुल कामयाब होती दिख रही है। जमीनी स्तर पर लोगों का हजूम पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, यात्रा के जहाँ से यात्रा निकल रही है वहाँ से फूल बरसाए जा रहे हैं, उसके अलावा तमाम समर्थन दे रहे हैं, ग्रामीण घंटों इंतजार कर रहे हैं इस यात्रा के आने का। तो कुल मिलाकर के झांसी में जो पहल की यात्रा रही है वो बेहद सफल साबित हुई है। संजय दत्त आए, भीड़ में शामिल हुए, जमीन पर बैठे, उन्होंने चाय पी, ये बड़ी बात है कि भक्तों के बीच आकर के उत्साह बढ़ा रहे हैं, इससे जो भक्त हैं उनका उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा तगरेट खली भी आए थे, उन्होंने भी मंच से आकर के उत्साह बढ़ाया, तमाम कॉमेडियन आए थे, तमाम जो बड़े बड़े स्टार हैं वो सब आए थे। तो बॉलीवुड
तमाम बड़े बड़े जो रिश्तेदार वो सब आ रहे हैं, इसके अलावा दिग्गज नेता भी आकर के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू सनातन गीता यात्रा का जो महत्व है, जो मुहिम है, वो फिलहाल लोगों के बीच जाकर के अपनी चर्चा का विषय बन रही है, अपना पैर पसार रही है और आने वाले दिनों में इस यात्रा का अच्छा खासा असर हिंदू एकता को लेकर के देखा जाएगा। आज जो यात्रा है तकरीबन 17 किलोमीटर की लंबी यात्रा है जो धीरेन्द्र शास्त्री पैदल नेशनल हाईवे पर तय करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा को लेकर के निकलेंगे और ग्राम जो बंगरा पड़ता है वहाँ पर दोपहर में लंच के लिए रुकेंगे। इसके अलावा श्रीराम इंटर कॉलेज पड़ता है, वहाँ पर रात का अंतिम पड़ाव है आज की यात्रा का। अब देखने वाली बात यह होगी कुछ देर बाद जिस तरीके से हुजूम अभी से जुट पड़ा है बाबा के दर्शनों के लिए, हुजूम अभी से जुट पड़ा है गुरु जी के आकर के यात्रा शुरू करने के लिए, तो अब आज भी भारी संख्या में जो भक्त हैं वो जुड़ेंगे इस यात्रा से। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आएंगे, शाम तक रुकेंगे और लोगों के बीच आकर के इस यात्रा का उत्साह बढ़ाएंगे। तो जिस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है वो उद्देश्य फिलहाल जमीनी स्तर पर पूरा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। पंडित शास्त्री की जो मुहिम है वो लोगों के साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और